हाकम सिंह सुसाइड केस में इंदौर में जिला कोर्ट ने आरोपी रंजना को गुरुवार को जमानत दे दी है। इसके बाद शुक्रवार को कोर्ट में एएसआई रंजना खांडे की मां नीलाबाई वकील से मिलने पहुंची। यहां मीडिया से बातचीत में मां नीलाबाई के आंसू छलक पड़े। नीलाबाई ने कहा, पुलिस ने रंजना और हमारे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया था। बेटे से भी मारपीट की गई थी। पुलिस ने उनके मोबाइल भी छीन लिए थे। टीआई हाकम सिंह सुसाइड मामले में एएसआई रंजना खांडे को जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद शुक्रवार को उसकी रंजना की मां नीलाबाई जिला कोर्ट पहुंची। बेटी पर पुलिस ने झूठा केस बना दिया था, जिसमें उसकी गिरफ्तारी करने पहुंचे पुलिसकर्मियों ने उनके बेटे विनय के साथ भी मारपीट की थी। इसके बाद उन्होंने नीलाबाई को भी परेशान किया था। इतना ही नहीं, दोनों को झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। नीलाबाई ने बताया कि वह रंजना से मिलने जेल गई थी। यहां उनकी बेटी ने कहा था कि उसने गलत नहीं किया है, उसने हाकम सिंह से अपने ही रुपए और कार मांगी थी। टीआई हाकम सिंह ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, वह हाकम सिंह से बात कर रही थी। इतने में हाकम सिंह ने उस पर गोली चला दी और फिर खुद को गोली मार ली। वकील कृष्ण कुमार कुन्हारी के मुताबिक सुबह कोर्ट की प्रोसेसिंग के चलते जमानत के पेपर जिला जेल तक नहीं पहुंच पाए थे। कुन्हारी के मुताबिक पुलिस ने जो केस बनाया था वह टीआई के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति में मदद बनने के लिए बनाया गया था। दूर से कहा है ये हमको नहीं पता था, तो वो बोले इसकी माँ को उठा के लाओ। थाने वाले बोल रहे थे कि इसकी माँ को उठा के लाओ, इसकी माँ को उठा के लाओ। तो मेरे बेटे को खूब मारा वहाँ पे। मेरी बेटी ने ही बोला कि मैं तो बेकसूर हूँ मम्मी, मेरे को तो फंसाया गया है और मैं तो कहीं नहीं, मैं तो छूट जाऊँगी। बोले फिक्र मत करना, बोले मेरे पे कोई आरोप नहीं है।